हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, जी हाँ, यूपी टीपीएससी की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स हम आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं। तो देखते हैं क्या है बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग एक रिजल्ट जारी करने की तैयारी में, जी हाँ, यूपी टीपीएससी एक और रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। 72 घंटे के अंदर ये रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, 72 घंटे के अंदर कौन सा रिजल्ट जारी होगा, देखिए कौन सा रिजल्ट आपका ये रिजल्ट जारी होगा। आयोग रिजल्ट किया तैयार, किसी भी समय जारी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है अपडेट, कौन सा रिजल्ट जारी होगा अगले 72 घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिसंबर महीने में कई सारे रिजल्ट्स जारी करने वाला था, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही रिजल्ट प्राप्त हुआ है दिसंबर महीने में। तो अब आखिर इतने रिजल्ट्स का वादा करके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक भी रिजल्ट जारी नहीं किया। तो क्या दिसंबर महीने के कुछ बचे हुए कुछ दिनों में क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट जारी करेगा, उसी समय संबंधित हम बड़ी अपडेट आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट कर रहे इंतजार इंतजार कर रहे रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक रिजल्ट जारी करने की तैयारी है, जो कि अगले 72 घंटे के अंदर यह रिजल्ट जारी कर देगा। आखिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूरी तरह से ये रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, और ये रिजल्ट आपका किसी भी समय आ सकता है। जी हाँ, 72 घंटे के अंदर कभी भी ये रिजल्ट आप सभी को सामने देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे। तो चलिए देखते हैं कौन सा रिजल्ट। हम आपको बता दें कि आप सभी को जैसे पता है कि इस महीने कौन कौन से रिजल्ट जारी होने वाले थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लोअर टू के रिजल्ट भी इस महीने जारी होने वाले थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए। वहीं लोअर टू के अलावा हम बात करें तो एग्रीकल्चर TA का रिजल्ट भी इसी महीने जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वही खादी ग्रामोद्योग का यानी कि तकनीकी सहायक का भी रिजल्ट इसी महीने जारी होने वाले थे, लेकिन ये भी अभी तक जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा हम बता दें तो आपका जो एक और बहुप्रतीक्षित रिजल्ट है वो 1/2017 यानी कि कनिष्ठ सहायक का यानी कि जूनियर असिस्टेंट के बैकलॉग का है। आखिर इन चार रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट जारी होगा, हम आपको बता दें कि इन चार में से ज़्यादातर उम्मीद जिन रिजल्ट्स की है इन दो रिजल्ट्स की है, यानी कि लोअर टू है एग्रीकल्चर TA का है, यानी कि अगले 72 घंटे में इन दोनों में से एक रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके अलावा इसी सप्ताह एक और रिजल्ट जो है JA का रिजल्ट भी जारी हो सकता है बैकलॉग का। तो बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आपका लोअर टू का या कृषि तकनीकी सहायक का रिजल्ट किसी भी समय आ सकता है अगले 72 घंटे के अंदर। जी हाँ, इंतज़ार लगे रहिए, आप वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहिए, किसी भी वक्त आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लगातार वेबसाइट पे विजिट करते हैं रहिए, जैसे कोई और अपडेट मिलती है, जैसे रिजल्ट संबंधित कोई अपडेट मिलती है, हम आपके सामने सबसे पहले लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।